मानकापुर पुलिस थाना क्षेत्र के झिंगाबाई टाकली क्षेत्र से एक सलून व्यवसायी से 52 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि तीन आरोपियों ने मिलकर पीड़ित को उसकी बेटी के MBBS में एडमिशन दिलाने के नाम पर चूना लगा दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने वेल्लूर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने की हामी भरी थी और इसके लिए अलग अलग ये सारे पैसे भी लिए थे, पर उसके बाद भी फिरियादी की बेटी को दाखिला नहीं मिला, तब उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। मानकापुर पुलिस इस मामले में अब तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित सुमित नगर झिंगाबाई टाकली निवासी ओम प्रकाश चोखेलाल वंदेवार पेशे से सैलून व्यवसायी है, जिसकी बेटी ने साल 2020 में नीट की परीक्षा पास की थी और वह उसके लिए MBBS में एडमिशन दिलाने के लिए अच्छे मेडिकल कॉलेज की तलाश में जुटा था। उसी चर्च में प्रेयर करते समय उन्होंने अपनी कम्युनिटी में अपनी बेटी के लिए अच्छे मेडिकल कॉलेज तलाश करने के लिए जान पहचान के परिचितों को कहा था। वहीं पर उन्हें आरोपी अनु सैमुअल के बारे में पता चला, जो कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा कर देता। जब फरियादी ने आरोपी से संपर्क कर MBBS में दाखिले के बारे में पूछताछ की, तब आरोपी ने इसके लिए 80 लाख रुपए लगने की बात कही। हालांकि उस साल फरियादी ने पैसे नहीं भरे थे। वहीं साल 2021 में फरियादी की बेटी ने दोबारा नीट की परीक्षा दी और दोबारा एग्जाम पास कर लिया। इस बार भी नंबर कम थे, लिहाजा इस बार बेटी के लिए अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाने के चलते फरियादी ने दोबारा आरोपी अनु सैमुअल से संपर्क किया और पैसे देने की हामी भरी। तब उनका दाखिला दिलवाने के लिए आपस में 50 लाख रुपए में तय हुआ, जिसके बाद फरियादी की बेटी को आरोपी ने तमिलनाडु के वेल्लूर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाने की बात कही। हालांकि फरियादी वेल्लूर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में भी गए, जहां आरोपी ने फरियादी का विश्वास हासिल कर अपने दो अन्य साथियों एम विजय कुमार और जैकम थॉमस से मुलाकात करवाई। आरोपियों ने तब आपस में मिलीभगत कर नकली ईमेल और नकली रिसिप्ट देकर फरियादी से अलग अलग करीब 52 लाख रुपए ले लिए। बावजूद इसके जब फरियादी की बेटी को कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, तो उन्होंने फोन कर दोबारा इस संबंध में आरोपियों से पूछताछ की, तब आरोपियों ने और 12 लाख रुपए लगने की बात बताई। पोलीस स्टेशन मानकापूर येथे अपराध क्रमांक 34/23 चा गुन्हा नोंद आहे। या गुन्ह्याचे जे फिर्यादी आहे ते ओमप्रकाश वंदेवार वय 49 वर्ष, त्यांचं राहणं जे आहे ते झिंगाबाई टाकळीमध्येच आहे आणि त्यांची मुलगी जी आहे ती नीटची आणि 12वीची परीक्षा पास झालेली होती, तर तिला मेडिकलला ॲडमिशन घ्यायची असल्याने त्यांनी चर्चमध्ये त्यांचं जाणं नव्हतं, तिथे त्यांची जी ओळख झाली चर्चच्या ग्रुपमध्ये, त्या ग्रुपमधून त्यांना एक नंबर मिळाला, व्हॉट्सअप नंबर, की यांनी त्यांना विचारलं होतं की मला काही मेडिकल ॲडमिशनसाठी काही हेल्प होईल का, ते नंबर द्या, तर त्यांनी त्यांचे नंबर दिले आणि त्या माध्यमातून त्यांनी 2021 त्यांचा नंबर घेतला। परंतु फोनवर बोलणी झाल्यानंतर त्यांनी जास्त रक्कम सांगितल्यामुळं त्यांनी ती कॅन्सल केली त्यावर्षी आणि मग त्यांनी सांगितलं की मेरी लड़की को और मैं एग्जाम नीट की डबल से एग्जाम देने लगा था हूँ और उसके बाद देखेंगे। त्याच्यानंतर त्यांनी 2022 परत नीटची परीक्षा दिली आणि मग ॲडमिशनचं जेव्हा ठरवलं तेव्हा ॲडमिशनचं प्रोसेससाठी त्यांनी फोनद्वारे बोलणी केली आणि त्यांनी सांगितलं की 50 लाख रुपये तुम्हाला द्यावं लागेल। या बोलणीवरून ते व्हॉट्सअप चॅटिंग वगैरे व्हायची त्यांची आणि ते तुम्हाला वेल्लूरला जे काही कॉलेज आहे त्या कॉलेजमध्ये यावं लागेल, तर त्या कॉलेजमध्ये जाण्यासाठी हे इथनं गेले मुलगी आणि परिवारासह आणि तिथे त्यांना कॅशमध्ये काही रक्कम आणि बाकी जी आहे ती या अकाउंटच्या माध्यमातून त्यांना देण्यात आली। अशा प्रकारे त्यांची एकूण 52,50,000 फसवणूक झालेली आहे। त्याचा अजून तपास सुरू, कारण आरोपी तिकडचे आहेत तामिळनाडू चेन्नईचे वगैरे, तर तीन आरोपी याच्यामध्ये आहे, त्याच्यामध्ये एस विजय कुमार, अनु सॅम्युअल आणि जेकब थॉमस असे तीन आरोपी सध्या याच्यामध्ये निष्पन्न आहे, पुढील तपास सुरू आहे। जे ओमप्रकाश वंदेवार आहे ते चर्चमध्ये जायचे आणि तिथून त्यांची जी ओळख आहे त्यांच्या चर्चचा जो ग्रुप असतो त्या ग्रुपच्या माध्यमातून आरोपी त्यांची झालेली आहे आणि मग त्यांचा जो व्यवहार आहे तो तिकडे जाऊन आणि परत काही चेक आणि पेटीएमच्या माध्यमातून त्यांनी त्यांना पैसे दिलेले आहेत। फिर्यादींचं सलून आहे, ते सलूनचे व्यवसाय त्यांचे सदर आणि
रविनगर एरिया पंचायत। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।